हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सब फॉर्म बना करके कैसे हम काम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। और सबसे पहले क्या करना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना। यहां से हमें ब्लैंक डेटाबेस पे करना है क्लिक, ठीक है, और यहां से क्रिएट पर कर देना है क्लिक। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा। इसके भी पहले मैं आपको दिखा देता हूं हम कैसा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। ये देखिए, यहां पर अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म हमने क्रिएट किया और ऊपर दो टेबल्स बनाई हैं, ठीक है। और ये फॉर्म में जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर आईडी 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सर्च बॉक्स बनाया हुआ है हमने। अगर हम यहाँ पर कस्टमर आईडी 4 की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो कस्टमर आईडी 4 जिसका कि नाम राज है, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, जिन्होंने कुछ ऑर्डर किया था जिसकी ऑर्डर आईडी A04 है और इन्होंने हेडफोन ऑर्डर किया था और ऑर्डर का डेट क्या है ये है। अगर मान लीजिए कि हम ऑर्डर देखना चाहते हैं जो कि कस्टमर आईडी 1 से ऑर्डर हुआ हो, तो कस्टमर आईडी 1 जो है श्याम की है, न्यू कॉलोनी देवरिया के रहने वाले हैं। दो चीजें इन्होंने ऑर्डर की थी दो डिफरेंट डेट्स पर। तो कुछ ऐसा हमें बनाना है, ये हम सब फॉर्म की मदद से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले क्या करता हूं, ब्लैंक डेटाबेस जो हमने ओपन किया था उसे ले लेते हैं। यहां से ये यह हमारा ब्लैंक डेटाबेस है, यहां पर व्यू पे कर दीजिए क्लिक, ठीक है। अब पहली जो टेबल हम बनाने वाले हैं उस पहली टेबल का नाम है कस्टमर टी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कस्टमर टी, ओके। तो ये हमारी पहली टेबल हो गई जिसका नाम क्या दे दिया हमने, कस्टमर टी। अब यहां पर कस्टमर की डिटेल आएगी तो यहां पर मैं दे देता हूं कस्टमर आईडी, ओके, ये दे दिया हमने। और इसे मैं रख देता हूं ऑटो नंबर, ये प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले कई सारी वीडियोस में। अब यहां पर आएगा कस्टमर का नेम, तो कस्टमर नेम कर देता हूं मैं, और यहां पर फिर शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूं और यहां से इसको, ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। अब यहां पर कस्टमर का नेम आएगा, ठीक है, कस्टमर आईडी अपने आप आएगी क्योंकि हमने ऑटो नंबर चूज किया है। अब मान लीजिए कस्टमर का नाम है राम, ठीक है, फिर नाम है दूसरे कस्टमर का नाम है श्याम, फिर यहां तीसरे कस्टमर की बात करेंगे तो तीसरे कस्टमर का नाम है अवनीश, श्रेया, ऐसे करके हम कस्टमर्स की लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये मान लीजिए 4 ही कस्टमर हैं हमारे पास, इसको हम सेव कर लेते हैं और यहां से इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक टेबल बन चुकी है हमारे पास। दूसरी टेबल हम क्या बनाएंगे, यहां पर जाएंगे और टेबल पर कर देंगे क्लिक और यहां से व्यू पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब यहां पर आएगा ऑर्डर टी, यानी ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टी, इसी के नाम से हम टेबल बनाने वाले हैं। तो ये ऑर्डर टी कर दिया हमने, यहां पर क्या होगा, ऑर्डर आईडी आएगी, ऑर्डर आईडी, ओके। तो यहां पे ऑर्डर आईडी आ जाएगी, इसे हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप, क्या रखेंगे, नंबर। तो ये नंबर कर दिया हमने और यहां पर कस्टमर आईडी आएगी, ठीक है, कस्टमर आईडी, ठीक है, ये कस्टमर आईडी कर दिया हमने और इसे रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप। पिछले वाली टेबल में ऑटो नंबर रखा था, इसमें नंबर डेटा टाइप रख रहा हूं। फिर यहां पर आइटम नेम, यानी क्या हमने ऑर्डर किया है उसका नाम यहां पर हम दे देंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसके लिए ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने ड्रॉप डाउन नहीं क्रिएट किया है। और इसकी प्राइस यहां पे आ जाएगी, ओके। तो प्राइस हम रखेंगे करेंसी डेटा टाइप, क्या रखेंगे, करेंसी। तो यहां से आप करेंसी कर लीजिए और यहां पर फिर आएगी डेट, कि डेट क्या है, ठीक है, ओके। तो ये कर दिया हमने और यहां पर आएगा डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ये देख सकते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप, इसको ले लीजिए। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन यूज कर रहा हूं। यहां पर व्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहां पे यस कर दीजिए, तो ये इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएगा। अब ऑर्डर जो है 1101, ये है ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑर्डर आईडी ये है और कस्टमर आईडी तो 1 थी, ये तो आपको पता ही है। अब जैसे मान लीजिए कस्टमर ने, इस कस्टमर आईडी वाले कस्टमर ने जिसकी ऑर्डर आईडी 1101 यानी 1101 है, उसने ऑर्डर किया कीबोर्ड और कीबोर्ड की कीमत क्या रही, 200 रुपए रही, ठीक है, यहाँ पे 200 कर दिया हमने। और ऑर्डर का डेट, यानी कि ये इन्होंने जो परचेस किया उस परचेस की डेट क्या रही, उसकी डेट रही 1/12/2020, ठीक है। और फिर यहां पे आ जाते हैं, यहां पर जैसे ही आएंगे तो 1102 पर हो जाएगा माउस, ओके। और यहां पर माउस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस माउस की कीमत होगी 300 रुपए, ठीक है, और ये किस डेट पे ऑर्डर हुई थी वो चीज यहां पर आ जाएगी, 3 तारीख को ऑर्डर हुई थी, तो ये यहां पे आ गई। तो इस तरीके से यहां पर कस्टमर 4 हैं, तो यहां पे चौथे कस्टमर का भी
इसके लिए भी कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ 1104 कर देते हैं ऑर्डर आईडी, और यहाँ 4 कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं कीबोर्ड, ठीक है। और कीबोर्ड की कीमत वही सेम 200 रुपए रखते हैं हम इस बार, और यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, डेट कोई और हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट कर लेता हूं मैं 6 तारीख, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों टेबल्स हमने तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं इसको, ये पहली टेबल है कस्टमर टी, और ये ऑर्डर टी दूसरी टेबल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट पर चल के, या फिर यहां से हम आ जाएंगे सीधा कहां पे, डेटाबेस टूल्स पर, और यहां रिलेशनशिप पे क्रिएट क्लिक करेंगे। यहां पर कस्टमर टी को पहले ले लेंगे, फिर ऑर्डर टी को दूसरी बार में यहां पे इंसर्ट करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे। ऐड करवा लेने के बाद कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से लिंक कर देंगे, ये लिंक हो गया, यहां पर टिक किया, यहां पर टिक किया, और यहां पर टिक कर दिया, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप ये बिल्ड हो गया। सेव कर लेता हूं इसको। अब यहां पर हमें क्रिएट पर करना है क्लिक, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहां फॉर्म विजार्ड पे चलते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगी कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, ठीक है। तो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हमें दोनों ही चाहिए, और क्या क्या चाहिए, ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर टेबल से हमें चाहिए ऑर्डर आईडी, आइटम नेम और प्राइस और डेट ऑफ परचेजिंग, ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने ले ली हैं, और कस्टमर टेबल ये जो है हमारी मेन टेबल होगी, ठीक है। इसके लिए हम सब फॉर्म क्रिएट करेंगे, यहां से नेक्स्ट पे क्लिक किया, और ये डेटा शीट व्यू में इसे हमने ले करके, और यहां से फिनिश पे कर दिया क्लिक। तो ये देख पाएंगे आप कि यहां पर एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा और एक सब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहां पर एक सब फॉर्म बन चुका है, ठीक है, जिसमें हमें कस्टमर आईडी दिख रही है, कस्टमर का नेम दिख रहा है, ऑर्डर आईडी दिख रही है, ऑर्डर का नेम दिख रहा है, और प्राइस दिख रहा है, डेट नहीं दिख रहा है। तो यहां से को यहां से एडजस्ट कर लेता हूं, यहां से हमने जाकर के और इसे एडजस्ट कर लिया पूरी तरीके से। अब यहां पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अब दिखाई पड़ने लगा है, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं इसमें थोड़ा कलरफुल कर दें, थोड़ा इसे कलरफुल बना दें, तो यहां पर डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं और यहां पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर हम पहले एक कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं, यानी सर्च बॉक्स बना लेते हैं। तो यहां पर कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक किया और यहां पर इसे कर देंगे ड्रैग, ड्रैग कर दिया। अब जैसे ड्रैग करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, आपको ये नीचे वाला फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स, इसको कर देना है टिक। जैसे टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पर आएगी कस्टमर आईडी, हमें सिर्फ कस्टमर आईडी ही पिक करना है। आप अगर ऑर्डर आईडी के बेस पे ये सर्च करना चाहते हो तो आप ऑर्डर आईडी भी कर सकते हैं। यहां पर ओके प्रेस कीजिए, यहां पर ओके प्रेस कीजिए, यहां पर चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं आप, हम फिलहाल यही छोड़ देते हैं। और यहां पर ये जो बैकग्राउंड है इसको हम कलर करेंगे, तो यहां पर आकर के इस बैकग्राउंड को हम एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम ये वाला कलर बैकग्राउंड पे प्रोवाइड कर देते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। और इस पूरे को हम बना देते हैं ब्लैक कलर, तो यहां से पहले बोल्ड कर लेता हूं, फिर इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। और यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूं ताकि पूरा ही कलर ये हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और ये पीछे का हिस्सा जो है इसका यहां नीचे वाला किसी दूसरे कलर में कर देते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये कलर में कर देते हैं हम, ठीक है। यहां पे चाहे तो फुटर पे आप बटन वगैरह बना सकते हैं, फिलहाल मैंने कुछ बटन वगैरह नहीं बनाए हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली व्यू पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देख पाएंगे कस्टमर आईडी आ रही है। अगर आपको कस्टमर 3 की डिटेल देखनी है तो यहां पे कस्टमर 3 की डिटेल आ गई। कस्टमर 3 ने 3 तारीख के डेट में माउस परचेस किया जिसकी ऑर्डर आईडी 1103 रही और कीमत 300 रुपए रही, ठीक है। जिनका नाम क्या है कस्टमर का, अवनीश है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कस्टमर 1 की डिटेल देखनी है तो यहाँ कस्टमर 1 की डिटेल आ गई, इनका नाम है राम और 1101 इनकी ऑर्डर आईडी है, कीबोर्ड इन्होंने परचेज किया है 200 रुपए का 1/12/2020 को।